मिली बड़ी मजा जी। बोले लुकी देता रुझासा लगल रहा बतासा, लगल रहा बतासा, तोहर सगर पुराई देहवासा, लगल रहा बतासा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे गांव से जिसका नाम है जमोहत। और इस गांव में रहते हैं सात नमूने। इन सातों नमूनों के अपने अलग अलग कारनामे हैं, तो आइए मिलवाती हूँ आपको इन सातों नमूनों से। सर, मरीज आया है। पकड़ पकड़ पकड़। अरे डॉक्टर साहब, अभी तो आधा चढ़ल बा। उठ उठ, हाई ले आधा जो घर पी गई है। ठीक नू, जा न जा, मुंह का ताकत आ जा, जो जा न जा। बदमाश कहीं क्या, बिजनेस बिगाड़ी है। हाँ, भेज भेज। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, का भइल का भइल? हमार पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे राम राम, तनी चेक करके बताई ना का भइल बा। तू चिंता मत कर हनु। अच्छा ही बताओ कि तहार नाम का? मूलचंद। मूलचंद, अच्छा। बाबूजी के नाम? माणिक चंद। माणिक चंद, हाँ। माणिक चंद। माई के नाम? तुलसी। तुलसी, हाँ। पत्नी के नाम? रजनीगंधा। रजनीगंधा, हाँ। बाल बच्चा बड़े सा? दूगो लड़का बड़े। का नाम हो? पान कुमार, पराग कुमार। अच्छा, पान पराग, आज तोरा भूत करे। अब बेटी भी है कि ना? हाँ। का नाम रे? चुटकी। चुटकी, हाँ। अब भाई? भाई विमल। विमल, हाँ। हे भगवान, हे कहाँ काम कर रहा? गोवा में। गोवा, हाँ। तोरा भूत के, हे भगवान। देखा तहार रोग एकदम शिखर पर चढ़ गई बा, बुझला? बाकी चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। हम जो कहो तनी खाली करी हा। ठीक नू, एक पाव सुरती, एक पाव सुपारी, एक पाव कत्था आ एक पौआ चूना, ए चारों के मिला के आ एगो रोटी में लेके लभेर लिए, बुझले? आए आओ, रोटी के तू खा लिया। अगर कल बाँच गई लत तो फिर आ जाइह। रे सारू, हर घड़ी हाई के दैया मैया काहे लगावत रहले? गाना गावे के बा कारे? हाई खदेड़ुआ मुझौसा ह, अंगुरी करता। का खदेड़ू, काहे उंगली करता रे? तका अंगूठा कर देवे के चाह। का भाई? ए मदेरू भाई, हा? मदेरू भाई, आज बियर पिए के मन करता। हमर हनु, बाकी हम ओहन की नसीब में कहा। चल, अरे रुक, तहनी के बियर पिए के बा ना? हम पियावत तनी तहनी के बियर। उ कैसे बॉस? चल पता चल जाई, आओ आओ। ओ जैन खुदा खादी जान करी। चल चल चल, बियर पिए के बा। आए हे हे हे, केहू बा हो? ऑर्डर लेके जा। देख रे देख। का चाहिए? ए भैया, आइजा बहुत भयानक फाइट होखे वाला बा, तो तनी मूड बनावे खातिर तीन गो बियर लेके आवा। ठीक है, फाइट हार्ड बियर लेके आई हा।
अनु हाँ लावा लावा वाह चल चीयर्स कर गिलास छोड़ रहे चीयर्स हाँ मजा होता ए मधुर भैया एक औरी मंगावा ना औरी चाहिए रोक मंगावता नहीं है तीन गो और लेके आओ यार बहुत बड़ा फाइट हो किया आहा धन्यवाद धन्यवाद ए पीना ए मदर भाई अरे गवाओ औरी तू भी का याद कर बे यार ए तीन गो और लेकर आओ यार मजा नहीं गया आइल नकली बियर लेके आइल बड़े का यार तीन गो और लेकर आओ तीन गो हाँ तीन गो बियर लेकर आओ बड़ा भयानक फाइट होके वाला हाँ आज इधर उधर सब ठीक बा बियर पहले फाइट कैसे होके वाला भाई तो बतावा हो रहुआ के बानी हम है एकर मालिक रहुए इस दुकान के मालिक बनी हाँ, हम एकर दुकान के मालिक बनी रहुए के साथ मार होके वाला बा मार और हमारा साथ है जी वो कैसे कहेगी हमने के लगे पैसा नहीं खे ना पैसा नहीं खे तो मार रोकबे करी नू अरे मार अरे मार के तो हम कछु मनी कर दे दूधवा में मिला के हम बेचब पानी हाय पानी हाय हाँ पानी हमरा कहानी हमरा कहानी नो 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 का करी कान पकड़ता नहीं अब बिहाने से अब ना कर ठीक है दूध वाला ओम नमस्तोभ्यम 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 ओम नमस्तोभ्यम 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 ओ नमस्तोभ्यम 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 खूब हंस तारु खाली हंसबे करबु कि मिलबो करबु आ ओ नमस्तोभ्यम 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 का कह तारु आ आइबु कि ना कूल मॉडर्न कपड़ा पहनले बड़ू साड़ी को पहनबू साड़ी हम पहनाई गजब कहा सा तारू गजब कहा सा तारू ये तोहार जवन हंसी बानु अम्रपाली अरे हंस के हमार जान लेबू का ए मर्दे आगवा साट बा तो मनो तू ही देखबा कहीं बैठ जा बैठ जा Yeah, I'm a lot now.
नजर में झांक लिया है। क्या है उनके अंदर? मैं हूँ उनकी हेमा मालिनी, वो मेरे और सजते में देखत रहे रेवाटी उगार के, रेवाटी उगार के हो, रेवाटी उगार के। पांच से बोलावे हमके उहे ढेला मार के, उहे ढेला मार के हो, उहे ढेला मार के। सजते में देखत रहे रेवाटी उगार के, मंच से बोलावे हमके उहे ढेला मार के। अरे छूछे कट्टा छोड़े टेकटार टलिया वाला ना, अरे तो भर के मारेंगे तो उलटिए जाओगी। छूछे कट्टा छोड़े जत्ते टलिया वाला ना, देखा मारे कचा कच आंख पकल की दलिया वाला ना। अरे जिन साहेब ने दिया रुपया बड़ी गजब मुस्कान, मैं उनकी कटरी ना हूँ, वो मेरे सलमान। मारे लेजर लाइट, मारे लेजर लाइट हो, मारे लेजर लाइट। रही रही अपने में करे कुली फाइट, करे कुली फाइट हो, करे कुली फाइट। जगह कु जगह पे मारे लेजर लाइट, रही रही अपने में करे कुली फाइट। साइकिल रोक के देखे नाच कबड़िया वाला ना, देखा मार कचा कच आंख पकल की दरिया वाला ना, देखा मार कचा कच आंख पकल की दरिया वाला ना। ए बतासा, हाँ। राते के प्रोग्राम तो हिट भइल, हाँ। पैसों कमाई नहीं जा, हाँ। अब आगे के क्या प्लान बा? खामोश, मैं महाराजा रावण हूँ, रावण। रे बेवकूफ, दशहरा में रावण बने के बा, अभी से काहे रावण बनो तोड़ो। बैठ, 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 बैठ। अगला नाटक जवन हो वो नाटक हो देश का प्रधानमंत्री उर्फ चाय वाला, आ चाय वाला तू हो, चला रिहर्सल करा। ये बन गया चाय वाला। चाय पी लो चाय, भीख मांगा तेरा, भीख मांगा तेरा कि चाय बेचा तेरा, चाय पी ले, चाय पी लो, देने जो ने बैठ, जो बैठ के देख चाय कैसे बेचा जाला। देख भोरे भोरे जब घर से निकलबे चाय बेचे, चार पहर में चाय बेचल जाला। देखो भोरे भोरे के चाय कैसे बेचाला। वेरी गुड। ए चाय गरम गरम चाय ले लो, मेरी चाय ले लो, कुल्हड़ वाली चाय, मीठी चाय, ताजी चाय, एकदम फ्रेश चाय। आए अब देखो, अब दुपहरिया के चाय देख, अब थाकियो गुल बा। चाय गरम गरम चाय, चाय चाय वाला इया। अच्छा, सांझ के चाय। आए चाय चाय गरम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चाय। देख लो झटका, बुझले जरहू के ना चाहे केहू के। अब अंतिम जौन बा घरे जाए के बेरिया, थाक के एकदम चूर हो गइल बा। हनु मुखिया,
प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम 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 प्रणाम। बैठी मुखिया जी। कैसे मुखिया जी आप हमारा दरवाजा पे? सुनो बैठो, तू लोगों से एक काम बा। जी। काम ई बा, दरअसल ये गांव में भोजपुरी कल्चर भाषा सीखे खातिर हाँ। बम्बई से एगो हीरोइन आ रहल बा। हीरोइन? हीरोइन? हाँ हीरोइन। तोरा जैसे निकम्मा तो ई गांव में बढ़ल ही ना बा। मुखिया जी रउआ इज्जत दे रहल बानी कि ले रहल बानी? अरे सुनो यार, अही से हम फैसला कर लिया तोरे सबके कंपनी में एक महीना रह के काम सीखी। अच्छा। जे उनका सीखे के बाद सिखा दिया। अरे बहुत बढ़िया मुखिया जी, लेकिन ध्यान रहे कोनो गड़बड़ी ना होके के चाहिए। ना ना, अगर कोई शिकायत हमारा पास आए तो हमारा से बुरा कोई ना हो। ना ना मुखिया जी, राव राधे सारा खोपर। अच्छा मुखिया जी, वो हीरोइन का नाम का? अमरपाली। कहा? अमरपाली। अमरपाली? अमरपाली। चलो चलो तू सब नौटंकी करो। अरे अमरपाली अब हम का करी हो। मैडम जी नींद नहीं खे आवत, हमारा विश्वास नहीं की होत कि रहुआ हमारा गांव में आ रहल बानी। ये मेरी मोहब्बत है जो आपको खींच कर मेरे गांव में ले आ रही है। ए मैडम जी, तहरा के हम अम्रपाली ना कहो तबका कहीं अमु ना आए। मैडम जी हम मैडम जी कहो अच्छा रही नू? जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको दिलाने की साजिश में लग जाती है। ओम शांति ओम में शाहरुख ने कहा था। बड़ा गजब का बात कह ले रहा हो। का भगवान इतनी लंबी रात होला का? नमस्ते। हमारा गांव में रौड़ा के बहुत स्वागत बा। हमारे गांव में नाटक मंडली बा। अरे नाटक मंडली आने मन कारी जल्दी आ। चल 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 चल। देखी देखी ई बा झटका, ई बा संतराम, ऊ बारन बैद जी, ई बारन ऊ कांता बा। देखा देखा ई खजेरुआ मजेरुआ, ई नाटक कंपनी के मालिक बताशा। नमस्ते मैडम। नमस्ते बताशा। आ बताशा मैडम, हम मिठाई होला खाएल जाला। मिठाई है खाते हैं। सो स्वीट। मैडम बहुत दूर से आयल बानी, चली नहाई धोई आराम करी। हाँ। रौड़ा के सब इंतजाम यहाँ बा। चली चली मैडम जी, हम लोग कल मिलेंगे। हाँ ठीक है, बाय गाइस। बाय 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 बाय। गाय? हाँ हमनी के गाय लोग को तनी देखा उनका? बैल बोलिए मैडम जी। अरे अरे बुर्बक बार मर्द तो नहीं लोगन का भाई? बाय गाइस अंग्रेजी में। हाँ। हिंदी में बाय दोस्तों। मैडम जी हमारा तो विश्वास है नहीं कि हो कि रउआ हमारा गांव में आ गई बानी और हमारे के बीच में बैठल बानी। अच्छा मैडम जी, ऐसा का भइल कि रउआ एयर कंडीशन छोड़ के आ एजा धूरा फाके आ गई नी? धूरा फाके? अधूरा फाके बतियाओ तरह, कहे के मतलब शहर के चकाचौन छोड़ के ऐजा गांव में कहे आ गई नी? ओ वो एक्चुअली एक महीने बाद मैं एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म कर रही हूँ। उस हिंदी? फिल्म का बैकग्राउंड भोजपुरी है। भोजपुरी? उस फिल्म में मुझे भोजपुरी डायलॉग्स भी बोलने हैं, यहाँ के कल्चर्स भी करने हैं। बहुत बड़ी फिल्म है तो मैं उसमें सब कुछ बहुत ही रियल करना चाहती हूँ, इसलिए एक महीने की छुट्टी लेकर मैं यहाँ पर भोजपुरी बोलना और यहाँ के कल्चर सीखने आई हूँ। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सुना एक काम करा हो, जब सिखाई सिखावे के बात हो तो काल है भगवान के नाम लेके देवी माई के मंदिर पे शुरुआत करल जाओ। हाँ, माई के नाम लेके। मैडम जी
काली आप भोरे भोरे वह करीब 10 बजे के आसपास भोरे अरे सुबह सुबह जी काली माई के मंदिर पे आ जाए। ओके ठीक बा ठीक है कल वहीं पर मिलते हैं। हाँ बाय। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते। हमने कर्नाटक कंपनी में राउर स्वागत। हाँ हाँ। मतलब कि हिंदी में बोली हिंदी में। हाँ। मतलब यह है कि लगे हमने हमारे यहाँ आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें। आप भोजपुरी से शुरू कर नहीं हमारा मतलब है भोजपुरी से शुरू करते हैं। ओके बाबा सिखाओ। हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से बोली हो गई है प्यार। अब लो हो गई है ना तो हो गईल बा हो गईल बा। हाँ, प्यार ओढ़निया वाली से प्यार ओढ़ने वाले से। अरे बाप रे क्या ओढ़निया वाली से हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से। अच्छा अच्छा बताई पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई। पंडित जी बताए ना ना ब्याह कब होई। ब्याह कब होई। वाह क्या बात है। अच्छा मैडम अभी बोलिए गैल भैंसिया पानी में। गैल भैंसिया पानी में गैल भैंसा पानी में। अरे दे दे दे। अरे भैंस और भैंसा दोनों अलग होला। जैसे मर्द मेहरारू में मतलब लेडीज जेंट्स में मेल फीमेल होता है वैसे इसमें भी भैंसा मतलब मेल भैंस मतलब फीमेल। तो यहाँ भैंसिया गई है। फिर से बोला गैल भैंसिया पानी में। गैल भैंसिया पानी में। अच्छा अच्छा सुना सुना हम बोला जेकरा में होई दम उहे खून खूंटा गाड़ी। जेकरा में होई दम उहे कुत्ता मारी। रे कंता रे तारा अच्छा वाला फिल्म के नाम नहीं के सुझाई दे खूंटा गाड़ी। अब हट अब रजा दी ना मैडम जी। एक मिनट। हाँ। बहुत हो गई भोजपुरी में सिखा सिखौली अब हो भोजपुरी में डांस। हाँ। 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 चलो बजाओ बजाओ। हाँ बतासा के माई धनवा और बाकी इतने बाहू और बाटे ना घरवा में हो। अरे अरे आराम से बाकी हो ही ना आज। आज ना हो पाई बस अब रह जाओ। हाँ कितना होई बिहाने से आदमी यही में लागल बा चार बोरा भइल ना। कहता नहीं कि अब धनवा के कौवा जैसे होइए गई। हाँ। हाँ? अरे बतसवा कहत रहल जे कि गौवा में हीरोइन आइल बिया सुन ली रहो। हाँ सुननी है तो जाई देखा ही का मतलब ऐसा ही अब बुढ़ौती में हीरोइन देखे जेबू। अरे वो आवारा के वो सब काम छोड़ो करे जी में तारा कौन सा हीरोइन बने के बा मने देख ले तो हीरोइने बन जाए का बतियाई हटे पहले जानत रहनी रहुआ जाए ना दे मालूम रहे हमरा के। ठीक बा जा जल्दी आ जाइयो साचो में। अच्छा हाँ जाई। अरे जा ना। अच्छा कपड़ा बदल के आवा तानी हो। हाँ ठीक बा जा। हाँ ठीक बतियाई ना हमरा से। हाँ। अच्छा ठीक है जाता नहीं आम्रपाली हो मन करा तो देख ली हाली। अरे पगले अब मंदिर में कुली होता मंदिर में मातारी बेटा दोनों पगला गिल पड़े सो आम्रपाला के देखे जाता नहीं। मैडम जी हाँ आपका जो सीरियल आता था नू
पलकों की छाव में? हाँ। बहुत बढ़िया था, हम तब से फैन हैं आपके। अरे वाह, तो बहुत पहले की बात है। अच्छा, सलमान खान के साथ आपका एक फिल्म आने वाला है? हाय, पता नहीं कब आएगी, भगवान करे जल्दी आए। ए, बतासा बतासा। हाँ, हाँ, देख हाँ। चाची अवतरी आई। ई कहां है अवतरी? अगली सही से ना बैठो। अरे कैगो बाल बच्चा बाड़े? वो आंटी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। कहाँ? अभी ले बिया ना केलू? नहीं। ये बता सब देखो। हमार तो 16 साल में हो गई लरल। 17वां में तो बतस को हो भी गई। अब चल 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 खाना ना बना बाद में। सॉरी मैडम। अरे मैं उठ लेता हूँ। क्या ही हो गई लरल? चल घर पे खाना लेके चली ना। बना चल के हाँ। मिला फिर। चल 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 चल। बाय आंटी। सॉरी मैडम जी। मैडम जी सॉरी। जाए मर्दवा डॉक्टर साहब, कैसन तू डॉक्टर बड़ा हो? का बेटे? अरे जॉन, तू दवाई देले रहला ना, उ दवाई खइला से हमार एकदम पेट झोरी पकड़ लेले बा। अच्छा। आ झाड़ा फिरत फिरत हमार एकदम दशा खराब हो गइल बा। ओके ओके, कोनो चिंता के बात नहीं के हनु, सब ठीक हो जाई। सुना आए हाथ डरे ए कस्टमर पर बात करते। हाँ चल जाई हका, तही से बैल के हाथ ना गोबर ले लिया अनु, आ गुड़ के ढेला ले लिया हाथ ना, दोनों के वो गिलास में घोर लिया, आ एक गिलास पी जाई हा, तहर सारा दुख खत्म हो जाई। ए भगवान, इनके कौन डिग्री देले बड़ा ये दादा? जो जो मैं बिल्डिंग फेंके लगवा ते फिर से मत आई है। हे भगवान, काई खुदरा भेज तेरे भगवान, कोनो बढ़िया गांकी भेजा ना। हे भगवान, हर जगह ही पेट बढ़ जाता, पेट बढ़ाते मेहरारू भाग गई। कैसन हो? कैसन बवड़ा कटर? अरे डॉक्टर बाकी का साहिबा। अच्छा अच्छा, अब अहीं ने जिया काटे सुखेन बैद। उठापा कम करने का बंपरा पर अरे बाप, ये तो हमारो बाप लगाता। मोटापा कम करने का बम्पर ऑफर 100% गारंटी के साथ, एक दिन में 5 किलो वजन घटाएं, मोटापा कम न होने पर दुगना पैसा वापस। बहुत जगह ही पैसा गवाउले बाटी, काम हो जाए तो बढ़िया बा, नहीं तो दुगना पैसा मिली। चलो जय श्री राम। मे आई डूकिंग? इनकमिंग इनकमिंग। थैंकिंग सर, थैंकिंग। अरे डॉक्टर साहब, पेट से बड़ा कष्ट बा, हर जगह ये उड़ जाता। अच्छा, पेट में उड़ जाता तो मेहरारू छोड़ के नहीं हरे भाग गई। वो तो भागिए जाए, जैसा तारी स्थिति बाद जिंदा बाड़ा वो है बहुत बार। बारवा लिखल हल के दिन में 5 किलो कम करे, 100% गारंटी के साथ, नहीं तो दुगना पैसा वापस। सही लिखल रहल का? हम ये टंकी करे बैठल बनी। अच्छा अच्छा, सही बा। एक दिन में ही कैसे संभव है? अरे संभव कितना लोग के को के बैठल बनी। केकर? अदनान सामी। मोटका? अंबानी का लड़का। गणपति राव ताप से। सखाराम गोर तोंडे। गोर तोंडे? अच्छा अच्छा। श्रीकांत पेलारे पे? मारे लपर ठीक हो जाए कुत्ता कहीं का। चले सब के एक दिन में कम ए ठीक होले बानी, कम कोइले बानी, तोरो कराओ के मत बोल। अच्छा, दवाई दई तब ने कम होई? आए तो पैसा दे बताओ नु। 25,000 रुपया लागेला पैकेज ह। 25,000 का? 25 रुपया चाही तो बोल। हां दे। आए, किराया? किराया? किराया तेरा जाए में कर, 10 रुपया रखा ठीक नो। दोया? आए
दवाइया कल सवेरे एकदम तेरा घरे पहुँच जाये। हमें अब चाहिए दवाई। आए अब चाहिए। हाँ। अरे ई बहुत बोला था, जा तार हमरा पैसा ना चाहिए। मजाक के लिए मजाक। जा कल सवेरे पहुँच जाये ठीक नू। अरे वो नहीं राख ले जो। जा। बाप रे बाप, साफे जिंदा लाश बटे। हे भगवान, ऐसा कस्टमर भेजिया प्रभु। हे भगवान, जय भगवान, जय भगवान, हे लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी। इतना टाइम हो गया अपन तक दो, ये लेकिन आयल कहीं हमके बुर्बक के ना बना दिया ना। रघुआ के I'm sweetie. आप क्या मटरू है? Yes, I am मटरू. मैं डॉक्टर सुकेन के यहाँ से आपके लिए दवा लेके आई हूँ। दे दवाई? मैं ही हूँ आपकी दवा। आप हमारी दवाई है? हाँ। हमारी दवाई कैसे कर जाए? मैं भागूंगी। हाँ। आप मेरा पीछा करेंगे। हाँ। और आपने अगर मुझे पकड़ लिया तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ। लेकिन आपका टाइम शुरू होता है अब। नीचे उतर 5 किलो और कम करने के बाद तो 25,000 दे। कुछ बोले है कहते? अब बोले काबा नानू। नहीं जल्दी आउट हो जाते हैं। दवाई बहुत सुंदर मैडम। गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज? मैंने तुम लोगों के लिए एक स्पीच रेडी की है। पर सरप्राइज की बात ये है कि मैं वो स्पीच भोजपुरी में सुनाऊंगी। अरे भोजपुरी? लेकिन एक सेकंड, उसमें मेरा हीरो कौन बनेगा? ऐजे हमरा से सुंदर केहू नेखे। हैं हम तो से कम आई का। ए सुन मैडम, कलर पे मत जाइए, जज्बात को समझिए। जज्बात हम हीरो बन सकेला। मैडम छोटा चेतन के भी ट्राई कर सकेले। हम बन हीरो नंबर वन हीरो। हम का बोली, हमरा के तो भगवान पहले से मिस फायर बना दिलवा। मैडम जी हमरो के लेके ट्राई कर सकेले, खिजाब लगा लेब तो करिया हो जाई के। नहीं नहीं अंकल, आप हटा। मैं अपना हीरो बताशा को बनाऊंगी। अपनी रोमांटिक स्पीच में तुम्हारे साथ बोलूंगी, ठीक है? थैंक यू मैडम। ए, प्यार
इश्क मोहब्बत ई सब एगो इबादत बा। आज हमरा मन में ऐसा अरमान जागल बा जे एगो लड़की के श्रृंगार होला, ऐसन श्रृंगार जे लड़की सिर्फ अपना होखे वाला राजकुमार के सामने करेली। आज हम ईश्वर के साक्षी मान के सबके सामने कबूल कर रहल बानी कि हमरा के केहू से प्यार हो गइल बा, और वो केहू केहू और ना, हमरा सपना के राजकुमार रहुए बानी। आई लव यू। कैसा था? तो ताली बजाओ ना। बताशा हाथ छोड़ो। अच्छा था ना? मजाक रहल का? मेरी भोजपुरी अच्छी हो गई है ना? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ए बाबू, हमने के चले के बाद छठों के तैयारी करे। हाँ, भोजपुरिया समाज में छठ के बड़ा महत्व में बैठे आ बड़ा ही पावन पर्व है। चले के बाबू हो तैयारी करे नू। मैं भी छठ देखूंगी। हाँ, मेरी
बादशाह ए चक्का कारे कंतावा तू बता तुहार ब्याह होई तो तू का करबे हनीमून पे जाए हनीमून ए ते हनीमून पे जाके का मनेबे हम थोड़े कुछ करब तो जवन करी हमर मर्दन करी अरे जा रे कंता अरे नाम लेता तू देख जल हाथी तो है मौसी पोछ घर है आ कटहर दे ए अपने माय नहीं देखते वो टाइल बाटीन मारब गोबरिंग में ना जाइए हम चल समुद्र पर हमारी ऐसे मोटाइल बाटी गांव में हमारी ऐसे मोट लगा ताती है ना मटर हुआ है ना आओ आजा 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 यार क्या बात बा मुंह कहाँ गिरोलो कहाँ है किसी आल बड़ा ज़्यादा मर्द बा इनके मौसी पहुंच चुका रहूं एक दल सुशेन बैद कहाँ वाला सुशेन बैद हाँ बाबा बाबा कहाँ भाई हमार मोटापा कम कर एक नाम पे 25,000 रुपया ही ठला है 25,000 हाँ हाँ अब दवाई मांगली हाँ तब बाबू घरे थे लेकिन भेजा ले लेकिन हाँ हाँ वो लेकिन ये हमसे कह रहा है हाँ हमके दौड़ा के ढाई लाख हाँ फिर जॉन जॉन मन करे तो दोन तू कहीं ला हाँ अरे वाह अरे तब आजा टॉप हम लगली दौड़ा में अच्छा हम जल्दी दौड़ा के पाई जाब हाँ दौड़ा ले रही हाँ मतलब दौड़ा दौड़ा था मार तारी सूख गई पकड़ाइल की ना अरे घंटा पकड़ाइल बस वाह वजन गई 5 किलो कम हो गई हाँ तारिया सूख गई तो 5 किलो कम ना होई हाँ घंटा दे रहे दवाई चीटिंग इस चीटिंग का बदला लिया जाएगा ओके तू 25,000 क्या और व्यवस्था कर ए मतलब फिर एक बीघा खेत बेची बेचता बेचता नहीं हाँ अब फिर से बबुआ उहे लेके आके भेजी हाँ और सब मिलके सामूहिक चमत्कार कर जाई अरे वाह ओके ओके ढुपिंग साहब अरे प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम जो दवाई दे ले रहे हैं एक के खुराक में बहुत फायदा कर गई फायदा कर बा बहुत सुंदर ऐसे करी हाँ हाईली 25,000 और अच्छा एक खुराक और तो नहीं उहे दवाइयां भेज दी अच्छा आए हनु बहुत सुंदर हनु अरे रहुआ महाराज अब की तो एकदम ईमानदार लेखा बतियाओ तरी कोनो सवाल ना कोनो जवाब कोई नहीं अरे डॉक्टर साहब आप जैसन डॉक्टर से कौन सवाल और कौन जवाब लेकिन साथ ही भेज दो जी हाँ एकदम भेज दे अब की तो रहुआ पहल को दवाई से एकदम कारगर दवाई भेजब बहुत बढ़िया रहुआ निश्चिंत होके जाई तनी जल्दी भेज लाई उठी ना उठी पकड़ में टेबुल हाँ ठीक बा हे भगवान वो सब तो ठीक हाँ ये बताओ सबसे पहले चमत्कार के कोरी बहू देखा हमार चलत दवाई एनाते हमारे बस के कुछ ना हो हम करब हम नहा के सेंट उठ मार के आइल बानी लॉटरी निकालल जाओ ई तरीका अच्छा तंती तू का बोला तरु मो तो खाली देखो देखा भाई कोनो काम में सबसे छोट के पहला अधिकार होला हम सबसे छोट बानी पहला अधिकार हमर बा हम से बुरबक है खेत बिकल हमार 50,000 हमार गई चमत्कार करब तू लोग आगे लगे चुप मिस्टर मेट्रो लेकिन आप कौन है हम तुम्हारा इंपोर्टेड मेडिसिन है हमको डॉक्टर सुखेन साउथ अफ्रीका से इधर भेजा तुमको पतला करने के वास्ते साउथ अफ्रीका लेकिन आप हमारी दवाई कैसे करेंगे हम बताता मिस्टर मटरू तुम आगे भागेगा हम तुम्हारा पीछे भागेगा और हम जब तुमको पकड़ लेगा तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकता कुछ मतलब तुम्हारा टाइम शुरू होता है जिंगल लाला मिस्टर मटरू वेयर आर यू मैडम जी ई तालाब के ताजा ताजा मछलियां अपन हाथे से बनी ले बन थैंक यू जी नमस्ते मैडम जी
नमस्ते। रुआ बहुत कमजोरी हो गई, यही से रुआ खातिर अपना हाथ से च्यवनप्राश बना के ले आई बानी। अरे रुआ खाए तो बहुत ताकत हुई। थैंक यू। अच्छा मैडम जी, सुखेनवा का च्यवनप्राश रउआ मत खाई, मुझे सब भैंसी के लीद डाल के बनावे। हाई देखी रउआ खातिर अचार ले आई बानी आम के, खा ले। थैंक यू मैडम जी। गर्मा गर्म रोटी सब्जी और सेवई दाल भी बा। थैंक यू मैडम जी। चले बहुत खुशबू वाला चले बाटे, हम खुद से बना लिया। शुद्ध देसी घी, तन भी खुश मन भी खुश। थैंक यू। हाँ बाय। हेलो मैडम जी। बताशा अब तुम क्या लाए हो? ये कुल का लाल हमें कुल बैल बुद्धि बिंध्या चले हमें का। मैडम जी हम तो रुआ खातिर ने स्पेशल चीज लाए है। सबसे पहले ये चना। चना? चना के साथ बताशा यार तुम बहुत क्यूट हो। वो बाकी लोग क्या लेके आए थे? सब सब गधाएं ससुर। पागल कैसा लागल है? एक नंबर। ये हमारे यहाँ के स्पेशल ब्रांड हो। बहुत आएगा लैला बोलल जाला। थोड़ा तीखा है। तीखा नहीं है, तीखे में वो थोड़ा सा एंजॉय करने वाली बात है। ओके। अच्छा मैडम जी रउआ तनी कम पियल करें ना तो लीवर खराब हो जाए। लेकिन तुम ज्यादा पी सकते हो, तुम्हारे लीवर ज्यादा बड़ा होगा ना। हाँ हमारा तो तीन तीन लीवर है। प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। बतासा कहाँ बा चाचा? हमरा का पता बा कहाँ बाड़े बतासा, दिन भर तो तारे लोग सतवे रहता। मतलब घर में नहीं खे? अरे कहा था नहीं खे तो नहीं खे। हाँ अच्छा मैंने नहीं खे नू ये हम। अरे ठीक है बेटा। अरे कहता रहे नहीं खे तो काहे बात बड़ा होता रहा। चल चल हम कहाँ कुछ बोल कहीं मारते यार। हमरा कहाँ मालूम बा। मैडम मुए के साथ भी अरे पटावत हुई। बतासा कहाँ बड़े, बतासा के ठेका लेल बनी का हम। मैडम जी आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू बताशा। हमको आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू बताशा। अब ना तुम जा जा के सो जाओ। अच्छा मैडम जी। मैं भी सो जाती हूँ। हाँ ठीक है मैडम जी। बहुत रात हो गई है ना इसलिए सुबह उठ नहीं पाऊंगी। ओके मैडम जी। थैंक यू। गुड नाइट। कहाँ रह लिया? अरे तुरा से कुछ पूछा था नहीं, बताओ कहाँ रह लिया रे? अरे मुंह कहते कहता रे कुछ बोलो बे। हेलो माय फादर आई लव यू। मैं तो दीवाना दीवाना। लौंडा हाथ से निकल गए। मैडम जी Ah
की देता रुझान सा खातिर लागे करे पड़ी नासा पलटी हन पासा मैडम जी, लगता हमारे गांव में अला के बाद खाए पिए को तकलीफ हो गई हो। तू तो सुखा के एकदम लाठी हो गई हो। हमार लौठिया कहाँ धले बड़ू हो? मैडम जी, खाए पिए करो ना, तो सब का कही कि गांव में खाना पीना ना मिले लो। हाँ अच्छा। हाँ मैडम जी, है का देखता रे? मैडम जी कहाँ गए नी? मैडम? हाँ कौन मैडम जी? हमार पलक सपना देख लिया करे? खामोश! सम्मान के साथ नाम लीजिए, आम्रपाली जी। अच्छा एक मिनट। है माई 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 कहाँ भी आ रहे? मैडम जी, बड़ा मुश्किल से सिगरेट चुरा के ले आनी है, मुखिया जी के पता ना लगे के चाहे ना, तब बहुत मारी बढ़वा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, चुप रहो। अच्छा और सुनो। हाँ। तुम किसी अपने दोस्त को बताना भी मत, क्या सोचेंगे सब? ना ना, हम क्यों सुना बताई। लेकिन मैडम जी एक बात बोली, रउआ जैसन दोस्त पाके ना हमार किस्मत धन्य हो गई। और सुनी, सिगरेट और शराब थोड़ा कम पियल करी, इससे तबीयत खराब हो जाला। अरे मैं कभी कभी पीती हूँ, हमेशा नहीं। अच्छा लेकिन तुमने कहा है ना बताशा, तो अब देखना मैं छोड़ दूंगा। चल चल। मैडम जी, इस सारा भूत लोग आ गए ले। बताशा कहाँ बड़ा हो? अच्छा बताशा। हाँ। अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में फिर मिलूंगी। बाय 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 बाय। ऐसे का दिखत रहा लोगन अंदर काकर तो रहा तोरी लोगन अंदर। हाँ। अंदर का कुछ ना
चरित्र ही नहीं अकारे। का कहले बुढ़ाऊ? का कहला? आम्रपाली मैडम को तू चरित्र ही न बोला। मार के चश्मे फोड़ दे तोहर। पगला गेल हका? अच्छा, तानी दोनों जन अंदर खुचुर पुचुर करत रहला पगला हम गए नी जा। अरे यार हमनी के तो सोचे नी कि अच्छी लड़के हुई लेकिन ये तो हिस्ट्री सीटर निकल गई। बाहर पटवा फाड़ दे बाबा हम। अरे हमारा तो पहले ही से शक रहे ई दाल में काला जरूर बा। हाँ सबके भर मौले बिया और चपका लोग। सुना ना अच्छा हिरोनिया के प्यारो बैल बना था चीनी के बोरा से गोर कलुग आ गई बा। लूटा ए राजा लागल रह बतासा ए भगवान। अरे कैसे बताई नंगे की सिगरेट पियत रानी हो जाए मैडम जी तो उन्हें धर्म संकट में फंसा लूं। नमस्ते अंकल। अरे बिटिया तू यहाँ कैसे? अरे बताशा कहाँ है अंकल? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। महापंचायत चला था चार घंटा से कुछ बतावे तो अब न हम जानी। अच्छा कोई खास बात है क्या? खुद जाके पता चले। अब जमन हो जब पैसा वापस करे एक बारी तब पता चले तो लगन तो का करी उड़त रहे पैसा तब कहां से आई तू सर। हाय गाइस। नमस्ते मैडम। क्या हुआ आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मैडम जी वो कहा है ना कि पतासा एगो प्रोग्राम खातिर सट्टा बुक कर लेले बड़े। तुम जुआ खेलते हो? ना मैडम जी सट्टा मतलब जुआ ना वो प्रोग्राम का बुकिंग ले ले रहनी हो। ओ तो बड़ी मुसीबत हो गई हो वो जवन सट्टा देले बानू वो बी क्लासिक कंपनी का मालिक है संजीव कुशवाहा बहुत बड़ा आदमी हो अब बड़ा मोटा रकम देले हो अब कहा था कि मुंबई से कौन डांसर मंगाओ ना तो पैसा वापस करा पैसा खत्म होगा लो सब खर्च कर दे लोग अब कहाँ से वापस करी। अरे बस इतनी सी बात है जी। इतनी सी बात के लिए चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी दोस्त मैं कब काम आऊंगी? मैं मेरे क्यूट फ्रेंड बताशा के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम ना सट्टा फाइनल करो। ओके मैं मुंबई से मेरी फ्रेंड संभावना सेठ को बुलाती हूँ। लेकिन एक शर्त है तुम लोग में से कोई भी स्टेज पे उसके साथ जाएगा नहीं डांस करने। उसके साथ सिर्फ मैं ही डांस करूंगी। ओके नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ वी क्लासिक के चेयरमैन मिस्टर संजीव कुमार कुशवाहा का जिन्होंने एक खास प्रोग्राम आपके लिए आयोजित किया है। तो दोस्तों इस महफिल में आ रही हैं मिस संभावना सेठ दुनिया में नाम कमाने वाली फिल्म अभिनेत्री मिस अमरपाली दुबे जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मेरा सजना सवरना है किस काम का माला जपते हो तुम औरों के नाम का हाँ मेरा सजना सवरना है किस काम का माला जपते हो तुम औरों के नाम का बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या पहिर के जान लोगी क्या
खुली चुनौती, खुली चुनौती, खुली चुनौती। ध्यान से सुनी रउआ सब है, गांव वाला खाती एक सुनहरा मौका 50,000 रुपया जीते खातिर। रउआ सब है गांव वालन में से जे भी संतोष पहलवान के दंगल के महामुकाबला में हराई ओके 50,000 रुपया नगद इनाम दिहल जाई। मुखिया जी, ये अनाउंसमेंट कैसा हो रहा है? मैडम जी, प्रदेश के बहुत बड़ा पहलवान आयल बा, इनका ही प्रदेश में कोई ना हरा पैलक भाई, जे भी इनका हराई ओकरा 50,000 के इनाम बा। 50,000? अरे वाह, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनको हराने के लिए तो हमारे छोटे पहलवान झटका प्रसाद ही काफी है। हमसे लड़ी ना मैडम जी, की तो हमरा के पटक पटक के मुआ दी। झटका, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ मैडम जी, बहुत भरोसा बा मैडम जी। तो हाँ बोल दो, मुझे पूरा यकीन है कि जीत तुम्हारी ही होगी। जियो झटका, लड़ जो। ए! पहलवान। ठीक है मुखिया जी, तो आप इनसे कह दीजिए कि कल इनसे कुश्ती हमारे झटका प्रसाद लड़ेंगे। जियो। ए पहलवान, बिहाने तू पूरी तैयारी के साथ आया, कहे से यहाँ से जाए लाइक ना बचवा। जियो झटका। चलो चलो, बहुत हो गया, once again, एक और डुबकी, चलो। मैडम जी। अरे चलो। ये क्या होता रे? अरे भाऊजी, माई चोखा बनौले हो जाके खाता घरे में। अच्छा, हाँ ये ड्रामा क्या होता? अरे कुछ ना होता, जा तू खाना खा। हट, बैल कहीं का। मैडम जी, बाप हमार पगला गए हो। तोरा तू पहलवानवा ना कच्चा चबा जाई। हमर पाली के इंप्रेस करे के चक्कर में फंस गेल बड़ा बेटा। एहो हनुमान जी, इस झटका के बचा लिया। बचा लिया, हम तो कहता नहीं, अब टाइम बा मान जा। अरे हमरा तो चिंता बाकी कैसे नगाड़ा के बजाई बाबू। अरे महाराज, हम तो ये चिंता में है कि तेल मालिश होत कहे हो, तमन पलान बनोले बड़ा लोगन। मैडम जी, पलानुआ बता दी। मैडम जी, तो मैडम के कुल प्लान ई बा, तोनी सब जे तेलवा मालिश करता रह, उ तेल में डूब डूब के हमरा नस नस में रोम रोम में तेलवा घुस जाए, और तब हम चिकनी चमेली हाँ मछली के जैसन फिसलब। और उ संतोष पहलवानवा जैसे आई हमरा से लड़े, हम ओकरा में जाइब और घुस जाइब ओकरे भीतरी जाके ओकर अतरिया के हेने से होने होने से हेने हेने से होने होने से हेने कुल हिला दे। फिर वैसे ही मछरिया मापी पूछ से बाहर आ जाए। अरे गुरु, ये कुल प्लान मैडम जी के बा। क्या बात है, थैंक यू मैडम जी। अरे अरे, ए जिंदगी रही तो बहुत पहलवानी हुई। दोस्तों, आज ये सौभाग्य की बात है कि अपने गांव में महादंगल होने जा रहा है, कुश्ती का महादंगल, जिसमें अपने प्रदेश के सबसे बड़े पहलवान
संतोष पहलवान आ रहे हैं और ये भी सौभाग्य की बात है कि अपने ही गांव के झटका प्रसाद पहलवान उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं जो यहां आ चुके हैं। झटका प्रसाद जी पहले पहुंचकर माटी से माटी रगड़े हुए हैं। देखने से तो ये लग रहा है कि विश्व में शायद इनके जैसा पहलवान कोई नहीं होगा। आप धैर्य रखिए, अब संतोष पहलवान पहुंचने ही वाले हैं। झटका प्रसाद, अब कुश्ती दंगल एकदम चालू होने वाला है। झटका प्रसाद, झटका प्रसाद जी, संतोष पहलवान भाग गए। हाँ। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस मुकाबले में हमारे प्रदेश के सबसे बड़े पहलवान जो संतोष पहलवान आने वाले थे वो झटका प्रसाद के डर से भाग खड़े हुए उनकी, और अब हमारे गांव के झटका प्रसाद जी पहलवान को 50,000 रुपया से पुरस्कृत किया जा रहा है। झटका प्रसाद जी जीत गए, संतोष पहलवान भाग खड़े हुए। बाहर हमारे गांव की मिट्टी और झटका प्रसाद बड़े बहादुरी से जीत गए। झटका प्रसाद जी का स्वागत है इस मंच पे। झटका प्रसाद जी आइए, संतोष पहलवान के भाग जाने के कारण, उनकी जाने के कारण अब इनाम दिया जाता। झटका प्रसाद जी को, झटका प्रसाद जिंदाबाद, झटका प्रसाद जिंदाबाद। अपने ही गांव के झटका पहलवान जी को, झटका पहलवान जी को अब आप आम्रपाली मैडम जी के हाथों 50,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी धरती धन्य हो गई झटका प्रसाद जी के आने से। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे झटका प्रसाद पहलवान जी दो शब्द अपने मुखारविंद से बोलें। कोटि कोटि धन्यवाद मैडम जी, आपने झटका प्रसाद को पहलवान बना दिया। झटका प्रसाद जिंदाबाद, झटका प्रसाद जिंदाबाद। ओके ओके बाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। अरे बैठो बताशा, क्या छुपा रहे हो मुझसे? मैडम जी आप खाते ने को गिफ्ट लाए हैं। तो दो ना। लेकिन पता ना आपके पसंद आई कि ना। अरे दो ना। कितनी पैकिंग किए हो? हाँ, ये साड़ी है। थैंक यू सो मच बताशा, तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है। आपके अच्छा लगा? बहुत सुंदर है। थैंक यू मैडम जी। यू आर वेलकम। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा लगा तो मैडम जी। ए बताशा, एगो बात बताई मैडम वाली नू, तोर बड़ी तारीफ कर ली। सही देखलस ना, कोई के बात ना सुन ली तोरा छोड़ के। जाना तारे ई सब तोर पर्सनालिटी के कमाल बा। पर्सनालिटी के सही नहीं, हमार पर्सनालिटी हो लायक। लायक जा मर्दे। अरे तू गोविंदा से कम नहीं खो। मैं एकदम सही। अरे तुम्हारी किस्मत दरवाजा पर इंतजार कर रही है। हां ए बता सा, सही समय देख के आई लव यू बोल देना यार। हमें डर लगेल। मैं अरे जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं रे पगलू। हां तू प्यार करे लकी ना? हम तो करे नहीं। बस करे लनू। हां ए मैडम जी आओ तारी, एकदम एकदम सही समय पर आई लव यू बोल दो। ऑल द बेस्ट। ए रुको रुको। हाय गाइस। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम। कुछ कहना था क्या? हाँ मैडम, हम कुछ कहल चाहता नहीं। तो बोलो। अरे बोलो ना।
लाज लागता हूँ। अरे यार बताशा मुझसे कैसी शर्म बताओ। फिर दोबारा कहूँ बोलते हूँ। अच्छा ठीक है मैं मुखिया जी के यहाँ लंच पर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके मैडम जी बाय बाय। तारे ए जीवन में तोरा से कुछ हो ना हो सके, काहे ना बोले इसरे। अरे डर लागत रहला महाराज जवन हो। ए बाबू तू इन्हन के चक्कर में मत पड़, ना ताम्रपाली जी के साथे साथे मुखिया जी भी तोहर कांच बहरिया दी। ए सरवा जब बोली सुबह बोली तू चुप। तू देखला ना भरदावा। हां कैसे मैडम जी तोर गलिया मिसत रहनी। हां हमरा तीन पजियाई लेती। और तू आई लव यू ना बोल पा। अरे महाराज आई लव यू तो ऐसे कहा था जैसे हलवा हो। ताम्रपाली मैडम के सामने गणित हम कापत रेंडर के मारे इसे। एक काम हां कागज पे आई लव यू लिख के हाँ मैडम जी के दे देवल जाओ लव लेटर टाइप। ये आइडिया बढ़िया हो हनु। अरे बताशा आओ बैठो, कुछ काम था। जी मैडम जी। हाँ मैडम वो रास्ता में जवन बात हम कहल चाहत रहनी हो तो कहना पहले रहनी हो। वो बात ही चिट्ठी में लिख देले बनी। बताशा इस चिट्ठी में तो तुमने मेरे दिल की बात लिखी है, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। सच्ची मैडम जी I love you, बताशा। हेलो हेलो बताशा कहाँ हो तुम? मैडम जी घर हैं अपने। सुनो जल्दी से मुखिया जी के घर पर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ जी मैडम जी हम आओ तनी। हाँ आओ तनी मैडम जी। बहुत जरूरी बात है, जल्दी से आ जाओ। हाँ मैडम जी आओ तनी। अरे बताशा कहाँ थे तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आज मैं मुंबई जा रही हूँ। मैडम जी इतना जल्दी? जल्दी एक महीना पूरा हो चुका है। क्या बात है बताशा, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मैडम जी दिन रउआ से कुछ कहल चाहत रहनी हो ना कह पैनी, आज वो बात कहल चाहता नहीं। अरे रुको उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, एक मिनट रुको। राहुल ये है राहुल मेरे फियांसे। हेलो सर। हाय मैडम जी फियांसे का होला? फियांसे मतलब मंगेतर, मेरी इनसे शादी होने वाली है। ये कैसे हो सकेला मैडम जी, प्यार तो रहू हमसे करे नहीं फिर शादी इनसे कैसे करब? ये क्या बोल रहे? एक सेकंड बताशा। मैडम जी हमारा साथ बैठ के प्यार मोहब्बत के बात करब, हमारा साथ सिगरेट पियब दारू पियब हमारे गाल में स्लेब गाल चुमले भी, आखिर ये करेला मैडम जी? वह नू जी प्यार करेला? प्लीज मैडम जी बताई ना कि आप हमसे प्यार करे नहीं। अरे बतावा ना मदरू यार बतावा ना। हाँ मैडम जी तोर दिमाग ठीक बाकी ना? हमारा दिमाग ठीक है पूछा ना। मैडम जी बताई ना प्लीज। मैडम जी आप रोना जाए। आम्रपाली एक मिनट। मैडम जी कह दी ना कि आप हमसे प्यार करे नहीं। मैडम जी मैंने कहा गाड़ी में बैठो। अरे एक मिनट राहुल मुझे समझाने तो दो। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। अरे राहुल मुझे अरे We'll be right back.
मिल रहे हो राहुल और ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है अम्मू, तकलीफ हो रही है मुझे। लेकिन राहुल, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक तो मेरे लाख मना करने के बाद तुम इस गांव में आके रुकी, आखिर हासिल क्या कर लिया तुमने? बहुत कुछ, इतना कुछ कि अगर मैं इस गांव नहीं आती तो शायद लाइफ की कई सारी चीजें मुझे कभी पता ही नहीं चलती। इस एक महीने में पूरा जीवन जी कर आ रही हूँ मैं राहुल। अच्छा, और वो क्या था? क्या क्या था? वो जिसने मेरे सामने तुम्हें आई लव यू बोला। यार तो वो उसका प्रॉब्लम है, मैं तो उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। दोस्त मानती हो, इसीलिए तो हिम्मत बड़ी ना उसकी। देखो अम्मू, अकल तो तुम्हें है नहीं, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें इस गांव में आने दिया। और तुम्हें पता है इन गंवारों के बीच में रह के ना तुम भी गंवार हो चुकी हो। जी नहीं, ये लोग गंवार नहीं है। इस एक महीने में जीवन जीने के सारे मायने सिखा दिए वो लोगों ने मुझे। और जहां तक रही बताशा की बात, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। यार गलतफहमी हो गई होगी? अरे वो गलतफहमी में ही जी रहा है, सुना नहीं तुमने? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अगर तुमने मुझे उसे समझाने दिया होता ना तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती। बहुत भोला है यार, बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। पता नहीं लोगों ने उसे कितना मारा होगा, तुम ना मुझे कभी नहीं समझोगे राहुल। You've really hurt me a lot today. बिचारा बताशा। Sorry. अम्मू, I'm sorry. जाओ यार, please. मेरी आंखों की तू है रोशनी, मेरे जीने की तू वजह, मेरी हैसियत तू, मेरी शख्सियत तू, मेरे दिल में हर जगह। मेरी आंखों की तू है रोशनी, मेरे जीने की तू वजह, मेरी हैसियत तू, मेरी शख्सियत तू, मेरे दिल में हर जगह। भूल जा भी हुई भूल जाना, I am sorry, I am sorry, I am sorry, baby, I am sorry. दिल की किताबों में नाम है तुम्हारा, रंग तेरे प्यार का चढ़ा है इतना गाढ़ा। हो ख्वाबों ख्यालों में बस तू ही आती है, तेरे बिन ये दुनिया कुछ अधूरी सी रह जाती है। रूठ के ना कभी दूर जाना, I am sorry, I am sorry, I am sorry, baby, I am sorry. उदासी क्यों चेहरे पे आई है, जैसे जादू पर बदरी सी कोई छाई है। नजरें मिलाओ ना, जरा मुस्कुराओ ना, देखो ना सताओ, बेबीमान भी अब जाओ ना। माफ कर दो मुझे जाने जाना, I am sorry, I am sorry, 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 I am sorry, baby, I am sorry. अब बताता, अब आपका आपका मुखिया का कैबिन आया, अब हम जबरदस्ती खींची गाड़ी में लेकर ले जाए। देखा तो ना रहा, गाड़ी के अंदर से कूद जाए चात्रानिया,
लेकिन ना खींच के ले गई गाड़ी के अंदर से चिल्लात के रानी हूँ। और एक बात मैडम जी, कौन साड़ी पहले रानी हूँ वो है साड़ी, जवन साड़ी उनके गिफ्ट में दे रहनी हूँ। एक मतलब कहा भाई, एक मतलब साफ हो कि मैडम जी हमारा उतना प्यार करनी जितना हम उनका थे, शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा कोनो न कोनो मजबूरी हो। देख बता सा हमार सलाह एक बड़ी ध्यान से सुन ले, अम्रपाली मैडम के सपना समझ के भूल जो, यही में तोर भलाई साथ साथ हमनी के भी भलाई बा। बिल्कुल सही कह रहल बाटे, पगला मत। ए नौटंकी मंडली, कान खोल के सुन ले, गांव के इज्जत में अगर थोड़ा भी पाटा लागल ना अभी तो लाठी से मार दे, सरो गोली मार दे। तहरा चक्कर में ई दिन देखे के पड़ा था। बोला अब बोलत काहे नहीं खा? अरे ई का बोली है, इन बड़ा माथा पर तो वो मैडम के मोहब्बत के बुखार चढ़ल बा, अरे रागल बारा, इनकी चक्कर में सबका पिटाई हुई एक दिन। चलो अरे चलो 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 का भाई जी? का भाई है? तार बेटा हमर ना कटवा दलस गांव के सामने, हाँ ससुरा के बखलोल खाली सूरत बा, आ हीरोइन से ब्याह करे कहता हमर पाला से। का रहुआ दिन भर आम्र पाला लगौले रहले जी हैं, बुझात नहीं खे हैं? अच्छा हमार बेटा दिन भर के भूखल पियासल एने ओने जंगल जंगल कहाँ कहाँ भटकाता, एकर चिंता नहीं खेर हुआ के? अरे चुप, तारे बिगाड़ल हो, तारे हमरे बिगाड़ल बा, हमरे बिगाड़ल बा जी, हमारे इकलौता बेटा हमरे बिगाड़ल बा, हमार कने जा फटा आगले तारे इकलौता बेटा, रे कहाँ रले? अरे रे कहाँ रले? हाँ हम पूछे तानी ना, धीरज धरी हम बात करे तानी है? कहाँ रले? अरे पता सब आप दोनों से पूछा तानी, हम बतियावा तानी ना जी, रहुआ कहाँ एकदम से? हाँ जा अपना साहब का दूध भात खिलाओ, दूध भात जा। अरे महतारी बेटा पागल को दिए था हमरा के, अरे बाप रे बाप, पूछा था कि ए बता सा काम धाम हो ही कि ऐसे ही मजनू बन के जीवन बिताइबा? अरे मर्दे लिहल सट्टा वापस हो जाता, बाजार में नाम खराब होता तो न लगे, काल से प्रोग्राम हो ना मिली और का। ये ऑर्केस्ट्रा के जमाना में औसों भी लोग नौटंकी ना देखे के छैला, और तू अपन ही हालत बनावले बड़ो। देखा अपना बारे में ना तो कम से कम हमनी के घर परिवार के बारे में सोचा यार। और का जाए मर्दावा, तू उन लड़की खातिर मजनू बनल बारा, जे एक बार गैलिन तो तोरा के पीछे मुड़ के ना देख लिन। अरे प्यार मुझोसा ऐसा बीमारी होला जे कपार पर चढ़ जाए तो 56 गो नाच नचावेला, तो हम लोग उनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हमार सोचे समझे की क्षमता खत्म हो गेलो, प्लीज हमके कुछ देर अकेले में रह दे लोगन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चल चला सा जाए तो जोन समझाओ कर ला समझा दे ले बाद में। अब तेज जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ, जिया तेज जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ, रुक रुक के सांस चले दिल के बेकरारी हाँ, जिया तेज जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ, जिया तेज जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ।
घुट के मारे हर एक रोग पे भारी हाँ। जिया तेजी जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ। जिया तेजी जान ले ले प्यारी ऊ बीमारी हाँ। तेजी जान ले ले प्यारी वो बीमारी हाँ। जिया तेजी जान ले ले प्यारी वो बीमारी हाँ। कहो बता सा काहे के बोलोला हमनी के? हम मुंबई जाके फैसला कर ले ले मनी। काहे के? काहे से कि हमारा के पूरा विश्वास बा कि मैडम जी भी हमारा उतना ही प्यार करेनी जितना हम मैडम जी से करेनी। और राहुल मैडम जी के वक्त परेशान कर रहे होई। कौन है दुनिया में जी रहल बड़ा वर्दे हैं? अरे वो फिल्मी हीरोइन चार दिन तोरा से प्यार भरी बातें क्या कहलस? तू अपन औकात भूल गई? नाटक कंपनी के बारे में कुछ सोचला कि ना? काहे अपन बसल बसावल घर उजाड़ा तड़ा बता सा तनी सोच। अरे ये का सोची है इनका दिमाग पड़ता ओकर ओकर हीरोइनिया के ना प्यार के बुखार चढ़ल बा। इनकर सोचे समझे की शक्ति खत्म हो गई बा। जवन सोचे के मतलब होके सोचा लोगन। हम तो मुंबई जाए के फैसला कर ले ले मानी। रहल बात नौटंकी कंपनी का तब तो हम लोग बाड़ा नू संभाल लिया। मान तो करा था कि एक हाथ खींच दिए जे लेकिन तहार किस्मत पे ना तरस आ रहल बा तरस। अच्छा सुना तहरा आत्महत्या करे के शौक बानू तो अकेले करा आत्महत्या जा मुंबई। तहरा जाए के बाद तो अकेले जा तहरा बर्बादी में हमनी के सोंगे नहीं खींचो। अरे चल सा चल चल बैठ। बड़ा जिद्दी बड़ा यार तू। हमनी सब आज ले तार सुख दुख में साथ निभाऊ नी जा तो तू का सोचा तारा कि ऐसे दुख के घड़ी में हम तारा के साथ छोड़ दे? हाँ बता सा तू का सोच ला तू अकेले चल जा हमनी के छोड़ के हमनी के तुहार साथ ना दे जा? ना बता सा हमनियो तुहरी साथे चलल जाई। नाटक कंपनी तो बंदे हो गई अब जे भी बचल खुचल जिंदगी बा तहरे साथे बर्बाद हुई। बताशा हमने के साथे जिया मारे के कसम कह ले रहे बोल गई ले। चुप रहा बताशा तू जान तड़ा कि हमरा घर में बुजुर्ग माई बाबा जेकर सहारा अकेले हम ही बानी। बाकी चिंता मत करिया बम्बई में हमारे को दोस्त जिम्मी रहेला ओकरा के हम फोन पर बता देले बानी
और इनका के एड्रेस दे दिले बानी। वो आई स्टेशन पर तू लोग के रिसीव कर ली। थैंक यू भाई। चला चला गाड़ी के टाइम हो गई। चला चला निकल जाओ जैसे। चला स्टेशन चल जाओ। चला चला गाड़ी के टाइम हो। घर है। आओ आओ बैठा 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 बैठाओ। गोड़ लगाता नहीं। बाप रे। बैठा बैठा। बता सा भाई, ये बात तुरा दोस्त के गरीब खाना। घर तो बहुत छोटा बा, लेकिन तुरा दोस्त के दिल बहुत बड़ा बा। कुल मिला के यह एगो छोट रूम बा, यही में तोहनी के सूते के पड़ी। जिम्मी भाई, नींद कहाँ रहल बा? बस एक बार मैडम जी से मुलाकात हो जाओ बस। ठीक बा, पहले पानी पिया। ला 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 ला, ला। हमरा पानी लावा। तू ला। पानी पिया। बतासा भाई, तोनी के हमर बात माना। ये सब चक्कर में मत पड़ा। मुंबई आला है, कुछ दिन घूमा फिरा टहला, अपन गांव चल जा। कहे कि माया नगरी के समझे के चक्कर में हमर जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक एकरा के समझ ना पाई। तू अपन जिंदगी बर्बाद मत करा, जा गांव चल जा। जिम्मी भाई, अब तो हमारा जिंदगी का फैसला मैडम जी के हाथ में बा। बिना मिलने ना जाए। ठीक बा, उनका कोई नंबर पता हो तो बा। हाँ, एगो कार्ड दे ले बनी। ठीक बा भैया, आज खा पी के आराम करा, कल चल जाए। ठीक बा। बताशा, तुम आ गए? जी मैडम जी। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने मुंबई जरूर आओगे। काबिल? अरे यार, ये राहुल वाजा सुरा सपनों में मैडम जी से मिले नहीं खेदे। दूर मर दबा, सुत जा। सबरे मैडम के बंगला पले चला। ए भैया, सुत जा। सुत जा बता। चला मर दे, सुत जा। मत सुत जा। ओए माई, अरे माई माई, अरे अरे मोरी माई। अरे के आवाज कर रहा था रे? ये नहीं कंता वा। मारम साले चटपटे फाट जाए, सुतवे की ना। अब बे तू का मार, शांत रह। अरे ये खुला था, खुल गई, खुल गई। सर नमस्ते। रुके, मैडम से मिले साहब? कौन सी मैडम से मिले? अमरपाली मैडम से मिले। नहीं मैडम नहीं है। हाँ तो नंबर दे दीजिए। अरे भैया, उनको जाकर बोलिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी सीखने गई थी ना, वही गांव का लोग आया है मिलने के लिए। बतासा बोलिए, बतासा बतासा बोलिए। मैडम शूटिंग पे गई है। मैडम नहीं है। चलिए बाहर निकलिए। मैडम नहीं है, चलो बाहर निकलिए। मर्दवाई मुंबई है, गांव नहीं की लात खिलाओ बका। बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो चलो चलो। आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, निकल निकलिए भाई। एक मिनट, चलो चलो जाइए ना आप लोग। एक मिनट रुको, चलो चलो चलो। बाहर शहर मुंबई, भला आदमी पानी पूछेला, खाना पूछेला,
ससुर डांट के भगा देले महाराज। अरे धकिया के भगा देले बा भाई, बेइज्जती हो गई। तब का करल जाओ? अरे कोयल का जाई, कुछ दिन मुंबई भरमाणो। अपन बाप के खेत बेच के झोला भर के पैसा लेके आइल बन बंबई घूमे खातिर। बंबई भरमन? अरे बंबई मैडम जी के नंबर वो मिल गए हो तब वो काम हो जात। वैसे नंबर मिल सकेला? नंबर मिल सकेला? हाँ। कैसे? अरे गांव में हमनी लोग नौटंकी न कैले बानी जा, तकाल मुंबई में नौटंकी होखी। नौटंकी? अरे रुके रुके, अरे रुके, अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जाना है? रुकिए आप लोग, सर यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। खबीस का बच्चा, तुम हमको बोलती, तुमको पता हम बहुत बड़ा आदमी होते। हमारा मर्जी, जहाँ मन करती वहाँ बैठती, वहाँ सोती। लेकिन सर आप हैं कौन? तुम हमको नहीं जानती, ए हमको नहीं जानती। रिलैक्स सर, गुस्सा थूक दीजिए सर, मैं समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन को जानते हो? विनोद खन्ना को जानते हो? आमिर खान को जानते हो? फिरोज खान? फिरोज खान को जानते हो? तो इन सबको किसने बनाया? इन्होंने बनाया। यस, जिसने जीरो से हीरो बनाया उसका नाम। एक करे जाओ, हमने देवरिया से आयल बनी जा तुहरी मैडम के साइन करे खाते। अरे जल्दी बुलावा। 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5000 खबीश। लेकिन मैडम बाहर गई है। का बोलती? मैडम बाहर जाती, कोई बात नहीं, मैडम का नंबर देती। यस, नंबर नोट करती। मैडम ने नंबर देने के लिए मना किया है। मना किया है? मैडम ने नंबर देने से मना किया है? तुम नंबर नहीं देगा? तुमको मालूम नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके साहब आया? हम तुम्हारा मैडम को इज्जत देता है और तुम इज्जत के बदले बेइज्जत देता है। सर हम बोलता है इसको प्रोजेक्ट में दो। चलो ए वॉचमैन, तुम्हारे मैडम का नंबर नहीं देती, तुम्हारे मैडम के हाथ से बड़ा प्रोजेक्ट चली जाती, तुम्हारा बैंड बजा देती, तुम नंबर नहीं देती। भोजपुरी में कोई हीरोइन होती? अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। हम अल हबीबी को साइन करती। चलो। अरे अरे सर 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 रुकिए, माफ कीजिए सर, आपको हम पहचाने नहीं। नंबर चाहिए ना सर, आपको अभी देता हूँ। अब हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। 91 हाँ, 98 हाँ, 14 हाँ, 67 ओके, 60 ओके। सर अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। किधर गए अल हबीबी? अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। फोन वो लगाओ भैया। मैडम ये लाइन है आपका, पढ़िए। आज हम ईश्वर के साक्षी मान के सबके सामने कबूल कर रहल बानी कि हमरा के केहू से प्यार हो गइल बा, ठीक है मैम? हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैडम नमस्ते, हम बताशा बोल रहल बानी मैडम जी। अरे बताशा बोलो, कैसे हो, कहाँ हो तुम? मैडम जी हम बम्बई आयल बानी। अब मैडम जी आपके बंगला पे गए लड़नी तो पता लगा आप बाहर बानी। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि जिस फिल्म के लिए मैं भोजपुरी सीखने आई हूँ, वो फिल्म की शूटिंग करने मैं बिहार आई हूँ और यहाँ पर मेरी शूटिंग चल रही है, मैं मुंबई में हूँ नहीं। मैडम जी हम रउआ से एक बार मिलल चाहता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जैसे मुंबई पहुँचूंगी ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ठीक बा मैडम जी, थैंक यू मैडम जी। काबुल ली मैडम जी बाहर शूटिंग करे गए हैं। अच्छा, कहली ना कि जैसे मुंबई आए नू तैसे मिलो। अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। खामोश। बताशा का फोन था? हाँ यार, वो मुझसे मिलने मुंबई आ गया है। तुम्हें पता है मैंने यही सोचा था और यही हुआ। देखना ये आदमी एक दिन तुम्हारे लिए ना डर का शाहरुख खान ना हो जाए। ए आई लव यू अमरपाली। अरे यार प्लीज, मैं उसे एक बार समझाऊंगी ना वो वापस चला जाएगा। देखो तुम उसे नहीं समझाओगी, उसे मुझे समझाने दो, प्यार से समझाऊंगा, नहीं समझा तो तुम्हें मेरा तरीका पता है, मुझे प्लीज रोकना मत उसके बाद। कूल, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पजेसिव होना ठीक है, लेकिन इतना बैठो। बाय द वे अच्छी लग रही हो। थैंक यू। हे मदरू भैया, हे मदरू भैया, निकल जाओ भैया, बहुत तनले बहो भैया। जोर से लगल बका, बहुत जोर से। हे मदरू भैया निकल जा, बाद में चल जाइया हो तनी।
अरे के दरवाजा ठोकत रहल? अरे हम ठोकत रहली हो भैया। अरे इतना देर से दरवाजा का ठोकत रहले रे? अरे तो भैया भीतर जाके सुत गेला, का जाके चिल्लात हुआ? घंटा हगी चाहे 2 घंटा हगी, तहरा से कहा? ज्यादा चिल्ला मत, तेज हो जिए भैया। ए बाप रे बाप, ए भैया, ए भैया, भैया कोला होबे के बा होए भैया, ए भैया ओकरा आवे में थोड़ा टाइम लागी। ए पहलवान भैया, ए पहलवान भैया बहुत तेज लगल, बहुत खोल दो तनी। अरे खोल दो हो। अरे बाप रे बाप, खोला हो पहलवान भैया। अब बताओ चक्कर में काका करके पड़ा था। अरे का हम बताएं? ए भैया, ए भैया, ओ जी पेंटर में होए भैया, ए भैया पेंटर में हो। जो अरे बाप रे बाप, जो कांता जल्दी आओ, फिर हम जाएं। आए हम जाएं। ओके बाप रे बाप, पहलौना का खाइले रहे रे। अरे बम्बई, ई बम्बई में काका होत बारे। ए भैया, ए भैया निकल जो रे, पॉइंटवे में हो गइल बारे। कोनो देखी तो बड़ी बेइज्जती हो जाइए भैया। ए खदेरू निकल जा हो, बाद में धोलिया भाई कहीं कहीं जा हो। ए भैया, ए भैया निकल जा, निकल जा। जो दुहाई भगवान का। ये भैया इसको चलें? आज नहीं यार, कल चलते हैं। ओके, तो कैंडल लाइट डिनर चलें नरीमन पॉइंट। वाह क्या बात है राहुल, तुम तो आजकल बहुत रोमांटिक होते जा रहे हो। तो जिसकी महबूबा इतनी रोमांटिक हो वो रोमांटिक नहीं होगा। हेलो मैडम जी, नमस्ते। कौन? मैडम जी आप बताशा बोल रहा बानी? हाँ बताशा बोल रही हूँ। वो मुंबई आ गई नहीं का? मैं राहुल बोल रहा हूँ। और सुन मेरी बात ध्यान से, अगर तूने यहाँ दोबारा कॉल करने की कोशिश की ना तो बेटा सीधा अंदर करवा। इसलिए भलाई सी में जिस ट्रेन से तू आया ना उसी से लौट जा, नहीं तो चलने फिरने के लायक नहीं बचेगा, समझा? हेलो 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 हेलो, क्या प्रॉब्लम है यार? तुम नहीं मिलोगी अम्मू से। अरे एक बार मिल लूंगी तो क्या हो जाएगा? देखो एक बार मुझे उसे अपने तरीके से समझाने तो दो, फिर वो खुद ही वापस चला जाएगा। अम्मू बहुत भोली हो तुम, तुम नहीं समझती हो दुनियादारी, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो और समझो। ओके
हो के। लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव? लेट्स गो। भगवान हम तो पागल हो जाए, हमारा समझ में नहीं क्या होता, हमारे होलवा कवन इलाज करी आखिर। हमनियो के समझ में नहीं के आवत कि ऐसा कौन सा मजबूरी बा कि अमरपाली मैडम राहुलवा से इतना डरा ली। ए भाई, राहुल एगो नामी ग्रामी मॉडल हवन। अच्छा, आ मैडम के करियर उहे बनौले बारन, बुझाइल। अब समझ में सारा माजरा आइल। मामला ई बा, मैडम का फोन आ। उठावा उठावा। हेलो, आई एम सो सॉरी बताशा, आज राहुल ने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा ना, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे। हाँ मैडम जी। एक काम करो जी, कल तुम घर आ जाओ। लेकिन मैडम जी। डरो मत, राहुल घर पर नहीं है, और अकेले आना प्लीज। ओके मैडम जी। अब बताओ हम का करी। ए बतासा, अब का भइल? अरे महाराज, मैडम जी कल अपने घर है बोलावनी। हा घरे बोलावली हा, लागत है आग दोनों और बराबरे लागल भैया भाई। लेकिन मैडम कहनी है कि अकेले यह क्यों के ले मत यहाँ। हाँ तो ठीक है, तो कहली हो, हमनी के का जरूरत बा। ठीक बा, जइया जरूर जइया, बाकी ऐसे ना जइया, तिनके सज संवर के जइया, काहे से मामला मोहब्बत के न बा। अयो बनावतानी ठूस के जाई हो, इहो मामला मेहनत के न बा। देखो कैसे शर्मावत आ रहे। बोलो बताशा, पहले बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, आज सब बोल दो। मैडम जी, जब से आप हमारे गांव से आए हैं, तब से हम बहुत परेशान हैं मैडम, बहुत टेंशन में रहने, ना दिन का चैन हो ना रात का सुकून, नींद ना आवेला मैडम जी, पल भर खातिर नींद आवेला तो बस आप ही के सपना देखेली। वो दिन जब गांव से आप आवत रहनी हाँ, और हम मोहब्बत के इजहार कहनी, और जब तक आपके जवाब आवत तो लोग हमके मारे लागल। मैडम जी, आपके गाड़ी में खींच के लेके गए ले हूं, और आप चिल्लात रहनी हमरा के बचावे खातिर, ये तो वह कर सकेला ना जी मोहब्बत करेला। हमके पता है मैडम जी आप बहुत मोहब्बत करेनी हमरा से, लेकिन कुछ तो ऐसा मजबूरी बा मैडम जी कि आप मोहब्बत के इजहार ना कर पा रहल बानी। हमके मालूम बा मैडम जी कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन अगर आपके प्यार मिलल ना मैडम जी, तो दौलत भी आ जाई। मैडम जी, आप हमसे मोहब्बत कर लेनू, एक बार बोल दी मैडम। हो गया तुम्हारा कह के, अब मैं कुछ बोलूं? मैडम जी, यह सुने खातिर तो गांव से शहर आ गई नी, बोली ना मैडम जी। मैं बोलता हूँ। सारा किस्सा सुनला के बाद ई तो बात तय बा कि मैडम के दिल में बतासा खातिर प्यार बा। अरे ना तो राहुला के पकड़ के मैडम बतासा के भगौले कहे के होती। हाँ हो मधेरू भाई। हाँ जाने तेरा प्रॉब्लम का बा। का? जब भी हम अपना दिल का बात मैडम जी से बतावल चाहता नहीं, बीच में वो राहुलवा आ जाता। हमारा दिल के बात मैडम जी सुनिए ना पावत हई, का करी कैसे बताई हम उनके अपने दिल के बात, और मैडम के दिल में का बाबू बतौले ना देता हो। मधुर भाई,
का ऐसा हो सकेला कि हम अपने दिल के बात वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दें? अरे हाँ, ये तो हो सकेला। तो भैया एक वीडियो बनावा। हाँ हाँ बनाओ तनी। बनाओ अभी बनाओ तनी। हट जालो। ए, तनी लोग हटा ना। हटा। अकेले में ना बनी वीडियो। हटा, हट जा। ए रुका। तुम बढ़िया से अपन दिल के बात बोला था। स्टार्ट। नमस्ते मैडम। मैडम, हमारा अच्छी तरह पता बा कि रहुआ हमरा से बहुत मोहब्बत करे नी, लेकिन रहुलवा से डरे नी। कौनो ना कौनो मजबूरी बाहर हुआ के आखिर में काहे के डरे नी? आप कितना मीठा स्वभाव के बनी, आप कितना बदतमीज इंसान। लेकिन आप डरी मत, ओकर औकात दिखा दे एक दिन हम। गॉड, आपका प्यार मिला ना मैडम जी, धन दौलत का लाइन लगा दे, गाड़ी मोटर का लाइन खड़ी कर दे। Oh God! क्या वो बढ़िया सी आ रही है? हैं? अरे तुम्हारी तो हंसी नहीं रुक रही। देखो तुम्हें भी हंसी आएगी। बस खाली एक बार मैडम जी, हाथ जोड़ता नहीं मैडम जी, एक बार रहुलवा के बिना बताए बहरे का तो मिल नहीं आप। हम अपना दिल के बात बतावल चाहता नहीं और रोवा से आपके दिल के बात सुनल चाहता नहीं मैडम जी। मैडम जी आई लव यू, आई लव यू मैडम जी। तुम्हारे दिल में भी इसके लिए प्यार पैदा हो रहा है? भेज दो इसको जवाब, बता समय आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुमको हंसी आ रही है तो दे दो ना उसको जवाब, बता सा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे देखो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो इसलिए मुझे खोने से डर रहे हो, पर इसकी वजह से मेरा नाम उस मोटू के साथ क्यों जोड़ रहे हो यार? I'm just joking, अम्मू। देखो तुम्हारे मन में क्या है ना मुझे सब पता है, पर यार तुम सोचो मैं इससे प्यार करूंगी? मैं तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुमको पता है गांव में इसने मेरा कितना केयर किया था, इसीलिए तो तुमसे प्यार कर बैठा है। मैं बता रहा हूँ मुँह, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ऐसे लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं, ये मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तुम एक बार मुझे उसका ब्रेन वॉश करने तो दो, फिर देखना बिना किसी प्रॉब्लम के वो खुद प्यार से गाँव चला जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी, मैं क्या कह रहा हूँ इसकी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी, इसके गांव भेज देगी, बस खत्म। एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, समझे? ओके, तो तुम्हें जरा मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो इसने मुझे भेजा है। हेलो मिस्टर बॉडीगार्ड, क्या चाहते हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे सुन, मोहब्बत करता हूं मैं मैडम जी को, क्या मोहब्बत करेगा बे? शकल देखा है अपनी, औकात है तेरी मैडम जी के लायक, मोहब्बत करने चले। देख कबाब में हड्डी मत बन, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं तो अभी हिंदी में समझा रहा हूँ बेटा। अगर भोजपुरी में समझा नहीं नू तो तुम्हारे चेहरा पे फेंक दे तेजाब, बस मुझे बस असरा। अब बताओ क्या करूँ इसका? ये तो सच में पागल है यार, इसे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? मैंने तुम्हारे मोबाइल से लिया था इसे समझाने के लिए, लेकिन इसने तो मुझे ही गाली देना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, तुम बिल्कुल सही थे राहुल, मैं ही गलत थी, ये तो सच में पागल है। देखो तुम्हें जो सही लगे ना वो करो। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। डोंट वरी अम्मू, आज मेरा शो है ताज होटल में, आता हूँ वापस, कल सुबह पहले इसकी कंप्लेंट करते हैं पुलिस में। ठीक है। एकांता, एक बात बताओ, तू मर्द होगा कि औरत? 50-50, बाकी हम पूरा औरत बनल चाहते नहीं 100%। सुनील बम्बई में बड़का बड़का अस्पताल प्लास्टिक सर्जरी करके बदल देवल जाला, हे जिमी बाबू हमरो बदलवा देना। हे भगवान, ये घोर कलयुग। अरे जब चाहो तोरे रहो। ए बे
बेमानी ना कह देते हैं बेमानी ना। मैडम जी हम रहुआ के फोन करता नहीं, रहुआ फोन ना उठाता नहीं, वीडियो भेजनी ओहुक जवाब ना देनी, हमरा और बिल्डिंग के नीचे खड़ा भानी हाथ पे पेट्रोल लेके, हम तारा नाम पे पेट्रोल छड़े के आग लगा ले, तारा बिल्डिंग के नीचे अपन जान दे दे, हमरा और बिल्डिंग के नीचे खड़ा भानी हाथ पे पेट्रोल लेके, हम तारा नाम पे पेट्रोल छड़े के आग लगा ले, तारा बिल्डिंग के नीचे अपन जान दे दे। ये तुम क्या कर रहे हो? का करी मैडम जी, रहुआ तो हमसे बात नहीं की करत, फोन करत तानी तो कट कर दे रहल बानी, वीडियो मैसेज भेजनी तो ओहुक जवाब नहीं के दे, जिंदगी में का बचल बा, खत्म हो गेल कहानी, हमार जिंदगी तो बर्बाद हो गेल मैडम जी, हमरा जिंदगी में जे बा सब रहुए ले बा, अब रहुआ ना मिलत तो का करब जी के, आज पेट्रोल छिड़क के हम अपन जान दे दे मैडम जी। देखो बताशा, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, वो मैं शूट में बिजी थी इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई, मैं तुम्हें सामने से कॉल करने ही वाली थी। मैडम जी देखिए, आज सच सच बता दी कि रहुआ हमसे मोहब्बत करे, लेकिन हाँ करती हूँ ना, बिल्कुल करती हूँ। मैडम जी अगर आप हमसे प्यार करें तब तुरंत तब मिले चली आई हमसे, बोली हम ऊपर आई अभी अभी, अगर इतनी रात गए मैं तुम्हें मिलने आऊंगी तो सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा, कितनी बेइज्जती होगी, क्या तुम चाहते हो कि मेरी बेइज्जती हो? ना मैडम जी बिल्कुल ना, हमरा मालूम बा मैडम जी के रहुआ हमरा से प्यार करे नहीं, बाकी खाली वो बॉडीगार्ड से डरे ले रहुआ। अच्छा बताशा, अब तुम प्लीज प्लीज अपने घर जाओ, ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे पक्का। रहुआ सच बोलता नहीं ना मैडम जी? हाँ बताशा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास बा मैडम जी, एक बार आई लव यू बोल दी मैडम जी, सुने खातिर हमारे कान तरस गए, पहली बार कहना है वो भी फोन पर, अच्छा नहीं लगेगा ना, क्यों ना कल मैं तुम्हें आमने सामने मिलकर कहूँ। बहुत अच्छा, ओके मैडम जी, आई एम सॉरी मैडम जी, हमारा वजह से बहुत तकलीफ भइल, आई एम सॉरी मैडम जी, बाय बाय मैडम जी, बाय, नमस्ते। क्या हुआ अम्मू, क्या हुआ? वो बताशा आया था, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है, तुम कैसे भी उसे पुलिस से पकड़वा दो, वो बहुत बड़ा पागल है, वरना वो कल फिर आएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कूल बाबू, मैं देखता हूँ उसे, कंप्लेंट कराता हूँ उसकी, डोंट वरी। साहिब, जिमी कुड़े है? साहिब, अरे जिमी कहाँ रहता है? जिमी कौन? जिमी साहिब? अरे इधर जिमी रहता है ना। अच्छा वो जिमी साहिब, वो तो सुबह ही मर गया। मर गया? उसी के माध्यम में जा रहे हैं सफेद कपड़ा पहन के। बतासा वो जानता है क्या? कौन बतासा साहिब? अरे बतासा। बतासा? अबे बताशा को नहीं जानता? ए भाग बताशा! ए पकड़ो, अरे भाग रे बात, पकड़ो सबको। काहे रे पुलिस से झूठ बोलता है तू? ना 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 ना, इसको रुका रुका रुका, ए जिमी भैया वो लोग भाग का रहे हैं। सर सर, इसको ना भाग, ले जाओ इसको, शाना बनता है हां।
ढाला बन गया उन्हें। अरे नहीं। ए, चलो भगा के लाओ सबको, मारो ना बस। ए, गाड़ी निकाल। बाहर निकालो सबको, बाहर निकालो, चलो कहाँ रे, ले चलो सबको, ले छोड़ेंगे बाहर, चल ले चलो सबको, बंद करो, हट किधर है लोग, बंद करो सबको, और चल ले चल। अरे बाप रे बाप, अरे कौन साहब लेके आए रे? इंस्पेक्टर लोटे। अरे सर वो तो बहुत मारते हैं, लेटा लेटा के मारते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ भाई देखिए हम लोग को कितना मारे हैं। अरे बाप रे, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते कानून के हिसाब से। अच्छा तुम्हाला कायदा शिकवणार? मी शिकवते तुला कायदा, तिकडे चल, तेरे बाद में निपटता हूँ छोटा रिचार्ज। अबे तू देख के पता नहीं चल रहा है कि मुलगा है कि मुलगी। अरे तोंदू हीरो बनने आए इधर तुम लोग? काहे रे साहिब, साहिब तेरा तो अर्थी निकल रहा था ना साहिब। मैं निकालेगा तेरा अर्थी, मैं निकालेगा तेरा अर्थी। काहे रे इधर मुंबई में तुम लोग लड़की छेड़ने को आया ना, हाँ इधर हीरोइन को छेड़ेगा तुम लोग? क्या रे मोटू, हीरोइन को छेड़ेगा तुम लोग? हीरोइन को छेड़ेगा? शाला बनता है हीरोइन छेड़ेगा है, मुंबई में आके हीरोइन छेड़ेगा? हीरोइन को छेड़ता है मुंबई में, इधर तुम लोग लो, चल मोटू इधर चल, हीरो बनेगा, हीरो बनता है तुम लोग, इधर ही हीरो बनेगा। कालिया बैठ, बैठ नीचे, नीचे बैठ कालिया, मैं हीरोगिरी निकालता मैं तुम्हारा सब, इधर हीरो बनेगा। ऐसा आवाज नहीं, एकदम आवाज नहीं। ए चुप, ए तावड़े चाय नहीं रे, मला दूध पाइजे, दूध बोल। Come on the dance floor, come on the dance floor, come on the dance floor, baby, come on the
ना शो 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 मैडम जी बताशा जी मैडम जी क्या हुआ मैडम जी मैडम जी पुलिस ने हमारे सारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है मुझे भी ढूंढ रही है पुलिस आपने वादा किया था ना कि आप उससे मिलेंगी लेकिन आप तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही हैं ऐसा क्यों कर रही हैं मैडम जी प्लीज बोलिए ना मोहब्बत करती है ना आप मुझको तो फिर बताइए ना सबको कि मोहब्बत करते हैं आप मुझको ए! गंदी नाली के कीड़े देख देख आज तेरा क्या हाल करता हूं मैं देख तू क्या करेगा तू बॉडीगार्ड क्यों मेरे मोहब्बत के पीछे पड़ा है बता सब तेरी इतनी हिम्मत तूने राहुल पर हाथ उठाया तुझसे तुझसे प्यार करूंगी मैं अरे शकल देखी है तूने अपनी पूरा का पूरा हाथी लगता है अपना अच्छा दोस्त समझती थी मैं तुझे लेकिन तू तू दोस्ती के भी लायक नहीं है राहुल बिल्कुल सही कहता था तुझे पहले दिन ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था जब तू यहाँ आया था प्यार करने चला है अरे तुम जैसे लोगों की औकात ना जूतों में ही रहने की है सिक्योरिटी गिरफ्तार कर लीजिए इसे तू यहाँ छुपा बैठा है बहुत दौड़ाया चल ले चल इसे ले चल I'm sorry राहुल इट्स ओके इट्स ओके तांबा है कुटे चल रहा भैया वो हमारा लड़का अंदर है क्या बतासा बतासा हाँ पांच छह उसके दोस्त भी हैं उसके साथ हाँ हाँ अंदर है जाओ अच्छा धन्यवाद जा जा मैडम चचा पढ़ा वाह बहुत अच्छा लगा था तारा लोग यहाँ देख के बड़ी खुशी भइल खूब नाम रोशन के लिए से तहनी के मति भरम हो गेल बा अरे तहनी के लाज शरम ना आइल रे है बिना बाप महतारी के बतौले आई बतसवा लोफर के चक्कर में तहनी के बॉम्बे चली अइल सर ई ना सोचले सकी बाप महतारी पर का गुजरत हुई वहां नदी तालाब में उलो खो जाता तहनी के है तू बतासा अरे तारा हिसन औलाद से तो अच्छा बाकी हम बिना औलाद के रहती चाचा आप भैया हाँ बोला बच्चा लोगों को छोड़ दीजिए देखिए हम कुछ नहीं कर सकते हमारे बड़े साहब हैं उनसे मिलिए जो करना होगा वही करेंगे अच्छा ठीक है भैया हाँ बोलो वो बड़े साहब अंदर हैं क्या बड़े साहब हाँ हाँ जाओ अच्छा जाओ अरे दावड़े चाय का क्या हुआ ए, इसको बोला रे एड़ा है क्या इधर नहीं बोलने का साहब बतासा कि हम बाबूजी हैं गांव से आए हैं वो बच्चा लोग के जमानत कर दे तो बहुत कृपा होती तू कहीं का कलेक्टर है तू बोले घर में छोड़ देगा
तुम लोग का यही लोचा है, गांव से इधर आके लफड़ा करेगा और हम लोग पीछे पीछे दौड़े तुम्हारा बच्चा लोग के। साहब बच्चा लोगन से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। FIR हुआ है तुम्हारा बच्चा के खिलाफ, सेलिब्रिटी का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेंगे राहुल जी और आम्रपाली जी ही कर सकते हैं, उनसे जाके बात करो, वही कुछ करेंगे। मेरा मतलब है साहब, वो नंबर वन मिल जाता तो हम बतिया लेते उन लोगों से। बड़ा लफड़ा है रे, तुम लोग गांव से आके इधर इतना लोचा करेगा फिर हम लोग, और समझा अपना बेटा को। जी जी, इधर आया तो लफड़ा ना करे। हाँ हाँ जी, मुंबई है ये। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। चल तावड़ा चाय बोल। हेलो। हाँ बेटा। हम इधर जीत बोलता था नहीं, बतासा के बाबूजी। जी अंकल नमस्ते, कहिए। हम यहाँ बॉम्बे आए हैं बेटा, ओसीवर आप थाना से बोल रहे हैं। बेटा इनकी गलती के लिए हम माफी मांग रहे हैं, इनका जमानत करा दो बेटा। हम कल ही इनको गांव लेके चले जाएंगे। अब पुलिस ने इनको बहुत मारा है बेटा, बहुत मारा है। अब गलती तो हो गई है, थोड़ा रहम करो। अंकल आई एम वेरी सॉरी, ये सब कुछ करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, ये तो सब बताशा की वजह से हो गया। पर अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पुलिस से बात करके उनकी जमानत करवाती हूँ। हाँ हाँ बेटा। कौन था? बताशा के पिताजी थे यार, वो यहाँ मुंबई आ गए हैं उन लोगों को लेने। तुम एक काम करो, प्लीज पुलिस को कॉल करो और कंप्लेन वापस ले लो, वो लोग सब गांव चले जाएंगे एंड इट विल बी डन। सिर्फ तुम कह रही हो ना, इसलिए मैं कंप्लेन वापस ले लेता, लेकिन मुझे डाउट है कि ये आदमी फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, तुम देख लेना। प्लीज यार कुछ नहीं होगा। जी इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए उन लोगों। जी बिल्कुल ठीक है राहुल जी, जैसा आपको सही लगे, बाय। ए दौड़े ते भैया आयत ना तन्ना सोड़ूं दे। अच्छा बोल एक। ए धरे झोरा पकड़। सांची खान की ट्रेन, बस सब लोग तैयार हो जा। हम एक बार मैडम जी से बिना मिले ना जाए। का कहले अरे सब तो हो गए रे, अब का बात है, अब कुछ बचल बा का? ए समझा के रखे, कहा था कि हम बिना मिले ना जाए। ए बतासा अब का बच गइल बा? अरे तहरा चक्कर में हमनी के वो हाल भइल बा जेकर कल्पना हमनी जीवन में कब्बो न कर सकता नहीं। एक महीना से हम लोग मुंबई में नरक के जीवन बिता रहल बानी, लात घुसा खैनी वो अलग, बेइज्जती भइल वो अलग, अब का बच गइल बा? अरे कौना काम खातिर जेबे तू मैडम जी से मिले? मैडम जी तहरा के का समझतारी हम बताई? हम बतावता नहीं, तहरा के मैडम जी कुत्ता समझतारी, कुत्ता। तहरा चक्कर में हमनी के गांव छूट गई, माय बाप छूट गई, नौटंकियों छूट गई। अब तहरा के कुत्ता बने के शौक बना तो जा मैडम के लगे कुत्ता बने, हमनी कोई न जाए कुत्ता बने। हाँ हमनी कोई न जाए। अब रोवा जीन, हमली भी तारा से नफरत ना करे नी बतासा, हम लोग तारा से बहुत प्यार करे नी। ए चाचा जी अब तक तो हम लोग सब बात बतासा के मन नहीं जा, इनका आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर देवल जाओ, एक बार मैडम जी के पास जाए दी चाचा जी, मिल लेवे दी चाचा जी, प्लीज चाचा जी। ठीक बा ले जा। चला चला।
राम राम जी। जी वो अम्रपाली मैडम जी से मिलना था। जी आइए आओ। अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नमूना तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों आए हो? राहुल, इन लोगों को यहाँ मैंने बुलाया है। तुमने? क्यों? दरअसल राहुल बाबू, हम लोग गांव जा रहे हैं। अब गलती तो हो गई है राहुल बाबू, कहा है कि आखिरी बार बतासवा मैडम जी को सॉरी बोलना चाहता है। अम्रपाली, तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। खैर, राहुल 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 प्लीज। हाँ क्या? माफी मांगने है? अम्मू माफ कर दो, माफ कर दिया मैडम ने। ओके चलो जाओ। ओके निकलो, आउट आउट। हम मैडम जी से 10 मिनट अकेले में बात करना चाहता नहीं। क्या ये क्या चीज है ये? मैडम जी प्लीज, प्लीज मैडम जी। अबे दिमाग तो ठीक है तेरा? राहुल वो बस 10 मिनट मुझसे अकेले में बात करना चाहता है ना, कर लेने दो उसे। तुम कब समझदार बनोगी यार? देखो राहुल, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है, लेकिन आज नहीं, वो मुझसे 10 मिनट बात करना चाहता है और मैं उसे मना नहीं कर रही हूँ। आओ बताशा। ठीक है जब तुमने फैसला कर ही लिया तो। ओके हाँ। बैठो बताशा। नहीं मैडम जी, मैं बैठूंगा नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं मैडम जी। बोलो। मैडम जी मैं जा रहा हूं और अब फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने आपको बहुत परेशान किया मैडम जी, मेरा अपराध माफी के लायक नहीं। मैं भूल गया था कि इंसान को रात के अंधेरे में सपना देखना चाहिए, लेकिन दिन के उजाले में सपना देखने का गुनाह किया है मैंने। सच तो ये है मैडम जी कि मेरी औकात आपके पैर के नाखून के बराबर नहीं। ऐसा नहीं है बताशा। ऐसा ही है मैडम जी, मैं 5 फुट 2 इंच का गेंडे जैसा इंसान चांद की ख्वाहिश कर बैठा। ये गुनाह नहीं तो और क्या है मैडम जी? पर एक हकीकत ये भी है मैडम जी, मेरी नजर में कायनात की सबसे हसीन खूबसूरत औरत आप हैं। मेरी नजर में खूबसूरती आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो मैडम जी, लेकिन इसी गलतफहमी में जिंदा रहना चाहता हूं मैडम जी। मैं जाने से पहले एक छोटी सी इल्तजा करना चाहता हूं आपसे, अगर आपने पूरा कर दिया तो भी चला जाऊंगा, नहीं पूरा किया तो तब भी चला जाऊंगा। बोलो। मैं कायनात की सबसे हसीन खूबसूरत औरत को एक बार चूमना चाहता हूं, और अगर मैंने आपको चूमा तो ऐसा लगेगा कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं हूं। बताओ तुम मुझे चूमना क्यों चाहते थे? मैडम जी जब से आप मेरे गांव से आई हैं, ऐसी कोई रात नहीं जिस रात सपने में आपने मुझे आई लव यू ना बोला हो और मैंने आपको चूमा ना हो। उस सपने के एहसास को मैं
हकीकत में बदलना चाहता था। एक बात सच बताओगे बताशा, क्या सपने में भी तुम मेरे माथे को ही चूमते थे? नहीं मैडम जी, मैं आपके होठ चूमता था। तो आज तो तुम पर कोई रोक नहीं थी, तो तुमने माथे को क्यों चूमा? क्योंकि अब उस पर मेरा अधिकार नहीं मैडम जी, उस पर अब राहुल बाबू का हक है। प्रेम की पराकाष्ठा में जाने के बाद भी हम उसको असलील नहीं कर सकते, और अगर आज हमने आपके होठ को चूम लिया होता तो मेरा प्रेम असलील हो जाता। थैंक यू मैडम जी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम जी, बहुत अच्छी। आपको पता नहीं, आपने मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। तुम्हें पता है बताशा, तुम एक बहुत अच्छे, बहुत सीधे इंसान हो। जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, वो बहुत खुश नसीब होगी। नहीं मैडम जी, अब मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। मेरी जिंदगी में जिसको आना था वो आ चुकी। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बताशा रुको, बताशा मैंने मोहब्बत की है, तमाम मोहब्बत करने वालों को जानती हूँ। मोहब्बत पर फिल्में देखी हैं, किताबें पढ़ी हैं, मोहब्बत पर फिल्में की भी हैं, कई सारी परिभाषाओं को जानती हूँ मोहब्बत की। लेकिन आज, आज तुमने ये जो मोहब्बत की नई परिभाषा दी है ना, उसकी इस दुनिया में मिसालें दी जाएंगी। I'm very proud of you बताशा, और जिस तरह की मोहब्बत तुम मुझसे करते हो ना, अगर उस मोहब्बत से तुमने मेरे होंठ भी चूम लिए होते तब भी तुम्हारी मोहब्बत अश्लील नहीं लगती। तुम्हारा सपना अभी भी अधूरा है ना। अम्मू, राहुल प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। सुन, अगर आज के बाद तू दोबारा मुंबई में दिखाई भी दिया ना, तो यहां से तेरी लाश जाएगी गांव सीधे। छोड़िए ना सर, क्या करने आऊंगा मुंबई में, यहां लेकर जा रहा हूं अपनी मैडम जी को। अबे चल ना। डॉक्टर साहब प्लीज बताशा की जान बचा लीजिए, कितना भी खर्च लगे मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज। आप धैर्य रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं बताशा को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धैर्य रखिए, भगवान पे भरोसा। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे जानबूझ के धक्का दिया? तुम्हारी कसम वो गलती से गिर गया। पता है राहुल, जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तब तुम किसी की बात नहीं समझते हो, कुछ नहीं सुनते हो। अरे जिस गलती की सजा उसे मिल रही है वो तो उसने की भी नहीं है, उसने मेरे माथे को चूमा था,
उसके होंठ तो मैंने चूमे और मैं नहीं जानती हूँ वो सही था या गलत था, लेकिन जिस तरह का प्यार वो मुझसे करता है ना, मुझे उसमें कभी कोई गंदगी नहीं दिखी। मुझे लगता है सर पे चोट लगने से खून काफी बह गया था। सॉरी हम उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर। So sorry, अंकल। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry। यही लाइक उबराला। जब से पैदा भई आंसू ही देलस कम भक्त, लेकिन अब हम सोचा था नहीं कि उकरा माई से का जाके कहब, कहब उकरा माई से। इसने मुझसे बहुत मोहब्बत की और मोहब्बत की सजा इसे मौत मिली। हम दोनों ने भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की है, हमारी सजा क्या होनी चाहिए? हमारी सजा यही है कि इस जीवन में तो हम साथ नहीं रह सकते। अब तो मुझसे हुआ है, और अगर इस पाप का प्रायश्चित यही है तो मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर गुजार दूंगा, और ये मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं। पल भर के लिए अपनी आंखें खोल दो। तुम हमेशा जो मुझसे सुनना चाहते थे ना, आज हकीकत में मैं वो कहना चाहती हूँ। I love you, Natasha. I love you. मैडम, एक आखिरी सवाल। आपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े सामाजिक कार्य किए, इस छोटे से गांव में इतने बड़े अकेडमी की स्थापना की, क्या हम जान सकते हैं कि आप इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद आपके जीवन में कोई आया क्यों नहीं? हमरा जिंदगी में जेकरा के आवे के रहे हुआ चुकल, ओकरा बाद हमरा जिंदगी में केहू खातिर कोनो जगह नहीं के। धन्यवाद। बोले लुकी देता रुझान सा।